हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। सो आज का व्लॉग मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। डे है ट्यूसडे, यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी और आज मैं बना रही हूँ आलू का पराठा विद बीट रूट। तो इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। और आज ना मुझे अलग अलग आटा लगाना है दो टाइप का, एक तो मतलब जो बीट रूट का रस होगा, जूस होगा, खाली उससे लगाना है बच्चों के लिए, और एक जो बीट रूट का जूस प्लस जो उसके जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलेंगे अगर चॉप करके या ग्रेट करके जो भी निकलेगा उसका, वो तो वो इसलिए कि वो मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, और जो सिंपल प्लेन वाला होगा वो बच्चों के लिए, बिकॉज वो फिर अगर उसमें से छोटे छोटे चंक्स दिखेंगे ना बीट रूट के तो वो खाएंगे नहीं, और वो भी काफ़ी हेल्दी होते हैं तो उसको फेंकना तो मतलब बेवकूफ़ी है। तो यहाँ पर मैं दोनों तरह के आटे लगा लूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना जो मतलब सिंपल खाने में ना थोड़ी अजीब सी होती है। जो बीट रूट है उसका टेस्ट भी कुछ ऐसा ही है, एकदम मतलब बेकार सा लगता है, हर कोई नहीं खा पाता है। तो कोई अगर ऐसी वेजिटेबल हो तो आप उस तरीके से डाइल्यूट करके उसको खा सकते हैं, लाइक आटे में रोटी बना लें या कुछ भी, सिंपल रोटी बनाकर भी आप इसके खा सकते हैं। रिसेंटली ना मैंने अभी यूट्यूब पे ना एक चैनल देखा है सात्विक भोजन करके या सात्विक फूड करके आता है, और उसमें मैंने देखा कि अगर आप नॉर्मल चपाती बनाते हैं, मतलब नॉर्मल आटे से आप रोटी बनाते हैं, प्लस अगर आप कोई वेजिटेबल डालकर रोटी बनाते हैं या किसी वेजिटेबल के रस से आप रोटी बनाते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होती है और ज़्यादा हेल्दी होती है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रोटी। मुझे जब भी मौका मिलता है ना, मैं आटे के अंदर कोई ना कोई वेजिटेबल या फिर जूस उसका ज़रूर ऐड करती हूँ, चाहे मुझे रोटी क्यों ना बनानी हो। और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला आटा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है दिखने में, जो छोटी छोटी टूटी फ्रूटी नहीं होती, वैसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ टूटी फ्रूटी हमने डाली हुई है। अभी मैं अध्यांश को छोड़कर आ गई हूँ, जयवर्धन आज नहीं गया है, उसकी दो तीन दिनों से तबीयत ऐसी ढीली सी लग रही है थोड़ी सी, तो आज मैंने सोचा चलो उसे स्कूल नहीं भेजती, अदरवाइज फिर भेजूंगी तो स्कूल से फोन आ जाएगा, फिर उसे दोबारा मुझे लेने जाना पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो छोड़ो आज छुट्टी करा देते हैं। अध्यांश का मैंने लंच वगैरह बना के उसको दे दिया था और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मैं सेम अपने लिए आलू का पराठा बना रही हूँ, बट जो मैंने दूसरा वाला डो बनाया था उससे बनाऊंगी। और यहाँ पर ये मैंने हस्बैंड के लिए सब्जी बॉईल करके रखी है, ब्रोकली वगैरह, इसमें बिना मतलब ऑयल के, जरा सा एक चम्मच ऑयल से मुझे बस इसमें छौंक मारना है, तो वो मैं उनके लिए बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी उनके लिए सेम आटे की। और यहाँ पर ये जो लाइट है ना मेरे सर के ऊपर, ये बड़ा डिस्टर्ब करती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर के ऊपर सूरज चमक रहा है, तो इस लाइट को मुझे चेंज कराना है, अदरवाइज वीडियो में ना बड़ी ज़्यादा परेशानी आती है, साफ एकदम दिखाई नहीं देता। पर तैयार हो गया है मेरा पराठा और इसके साथ लेना है मैंने थोड़ा सा अचार और चाय। एंड यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक हेल्दी वेजिटेबल एक अनहेल्दी पैन में, बिकॉज ये नॉनस्टिक है और नॉनस्टिक में ज़्यादा कोई खाना वाना नहीं बनाना चाहिए, और इसको जो उसकी ऊपर की परत होती है ना वो भी निकल चुकी है, तो मुझे ना एक स्टील के पैन का इंतजार है, जैसे ही मुझे मिल जाएगा अच्छा सा मैं उसे परचेज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जो मैंने ब्रोकली और कैरेट वगैरह बॉयल करके रखा था, उसको बस मैंने एक चम्मच से भी कम तेल में जीरा डाल के और मैं उसे डाल दूंगी, बिकॉज वो हाफ ऑलरेडी पका हुआ है, हाफ मुझे और कुक करना है। सो यहाँ पर डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक और बस ज़रा सा मुझे इसे पकाना है। सो ये अच्छे से कुक हो गई है, हाफ कुक ये पहले से ही थी, बस हाफ कुक मुझे इसमें करना था, तो ये अच्छे से कट रहा है तो अच्छे से ये कुक हो गई है। और टाइम हो गया है 11, सो आज मेरा सारा काम जल्दी हो गया है, मतलब जो डेली का होता है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ, तो अभी मैं अपना मेरा ना थोड़ा सा ओटीजी जो है वो गंदा हो रखा था, तो मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा डीप क्लीन कर लूँ, वो मैं करूँगी, और देखूँगी अगर कुछ और डीप क्लीन करने के लिए होगा तो वो मैं करूँगी किचन का। ओटीची क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर ले ली थोड़ा सा बेकिंग सोडा और उसमें डालूंगी थोड़ा सा नींबू, और उसको अच्छे से मिक्स करके ओटीजी के अंदर की साइड में पूरे अच्छे से फैलाकर लगा दूंगी और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूंगी,
जो बेकिंग सोडा और नींबू का कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत अच्छा है। एक मतलब अगर किसी चीज़ से स्मेल आ रही है तो उसको हटाने के लिए, तो ओटीजी में हमारा लगभग सब कुछ ही बनता है, वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें, तो कई बार ही ना उसमें स्मेल रह जाती है, तो उसको हटाने के लिए, बदबू जो है वो हटाने के लिए और अच्छे से क्लीन करने के लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए लगा कर छोड़ दूँगी। देन थोड़ी देर बाद फिर मैं एक गीला कपड़ा लेके उसको क्लीन कर लूँगी। एंड उसके बाद जो भी आपके पास हो, विम जेल हो या केक हो, मेरे पास केक है तो मैं उसी को लेके स्पॉन्ज में और अच्छे से उसको क्लीन कर रही हूँ अंदर से, बिकॉज़ अंदर से नॉर्मल ये स्टील का ही है, कुछ ऐसा वायरिंग का कोई चक्कर नहीं है, तो मैं जस्ट डायरेक्टली इसको ऐसे करके एंड उसके बाद फिर गर्म पानी में कपड़े को डिप करके उससे अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ 2-3 बार। एंड उसके बाद फिर एक ड्राई कपड़ा लेके मैं उसे क्लीन कर लेती हूँ, और जब मैं इसे ऊपर रख दूँगी इसकी जगह पर, देन उसके बाद मैं थोड़ी देर इसको खोल के रखूँगी ताकि हवा से वो अगर कुछ कहीं पर रह जाता वो पानी, तो वो अच्छे से सूख जाए और इसमें स्मेल भी ना रहे। देन जो साइड में मैंने रैक्स लगा रखे हैं मुझे वो भी लगा थोड़े से गंदे हो रहे हैं, मतलब एक चीज़ साफ़ करने निकलो ना तो 10 चीज़ें दिख जाती है कि हाँ ये भी गंदी है, ये भी गंदी है, ये भी गंदी है, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इन्हें भी साफ़ कर देते हैं। देन उसके बाद फिर मैं नीचे लंच की प्रिपरेशन के लिए आ गई, और लंच में आज मुझे बहुत कुछ बनाना था अगेन, जैसे हमेशा ही होता है मेरे साथ। सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी, और साइड में बन रहे हैं पकौड़े, और उसके अलावा बनेगी दाल, चावल, रोटी और ब्राउन राइस। तो यहाँ पर मैं फटाफट पहले कढ़ी के लिए तड़का निकाल देती हूँ। यहाँ पर मेरा लंच तैयार हो गया है, बनाई है मैंने रोटी, साथ में बनाई है कढ़ी, तो कढ़ी में मैंने तड़का वड़का दे दिया है, पकोड़े अभी नहीं डाले हैं, बिकॉज बाद में डालते हैं तो उनका क्रंचीनेस जो होता है वो बना रहता है, पहले डाल देते हैं तो वो कढ़ी में एकदम डूब जाते हैं और बिल्कुल सॉगी से हो जाते हैं, फिर खाने में उन्हें मज़ा नहीं आता। यहाँ पर रखे हैं मैंने ब्राउन राइस, बिकॉज हस्बैंड को ब्राउन राइस खाने हैं आजकल, तो वो भी यहाँ पर बन रहे हैं। एंड इसके अलावा मैंने बनाई है दाल, तो दाल मैंने ना सिंपली बनाई है, बस ऊपर से छौंक मार दिया है। एंड यहाँ पर बन गई हैं जीरा राइस, जीरा राइस मुझे अच्छे लगते हैं कढ़ी चावल के साथ, तो अब हम लोग करेंगे लंच। लंच करने के बाद मैंने किया था थोड़ा सा रेस्ट, और आज बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गए थे हस्बैंड, और अभी मुझे थोड़ी सी भूख लगी है तो मैं सोच रही हूँ मैगी बना लेती हूँ। कोई सोचता होगा मैं कितना खाती हूँ, बट इतना मैं नहीं खा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा खाना मैं खाती हूँ सारा, तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए मैगी। सो यहाँ पर मुझे ना प्लेन मैगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वैसे तो मुझे मैगी पसंद ही नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा मैगी लवर नहीं हूँ, मैं बहुत ही कम मैगी खाती हूँ, लाइक कभी महीने में या 2 महीने में या 3 महीने भी हो जाते हैं, एक बारी मैं खा लेती हूँ जब मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है, बिकॉज़ मैगी जो है वो उतनी हेल्दी चीज़ नहीं है, तो ना ही मैं अपने बच्चों को ज़्यादा देती हूँ और ना ही मैं खुद ज़्यादा खाती हूँ। एंड अगर मैं मैगी बनाती भी हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स मैं ऐड करूँ, तो यहाँ पर प्याज को मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी पानी, बिकॉज प्याज और टमाटर की क्वान्टिटी कम है क्योंकि मैगी की भी क्वान्टिटी कम है, और साथ ही ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, और मैगी मसाला जो आता है ना उसका एक शैशे, बिकॉज मैं ना नमक कम होता है तो नमक मैं अलग से ऐड कर देती हूँ, और अगर मुझे चिली वगैरह ऐड करनी हो तो वो भी मैं ऐड कर देती हूँ, बट आज मैं नहीं कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पनीर, तो मेरे पास जब जब जो जो सब्ज़ी होती है, मतलब जो मुझे अच्छी लगती है खाने में, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, और अब डाल दूँगी मैं पानी और डाल दूँगी मैगी, और इसको ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, ये अपने आप पक जाएगा। सो मेरी मैगी भी रेडी हो गई है, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कैप्सिकम। कैप्सिकम मुझे ज़्यादातर पसंद है, लेकिन ऊपर से कच्ची डालना, पका के खाना मुझे कैप्सिकम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो हर चीज़ में जो भी कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ आपने देखा होगा उसके अंदर मैं ऊपर से ही कैप्सिकम डालती हूँ। हाँ आपे वगैरह में मैं डाल देती हूँ कैप्सिकम अंदर ही, बिकॉज उसमें ऊपर से तो डाल नहीं सकते हैं। और अब मैं इसे खाऊँगी चाय के साथ। सो हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया है अभी, आज बनाया था हम लोगों ने आलू गोभी की सब्जी और मटर की सब्जी, मतलब मिक्स वेज बनाई थी, तो सब्जी बनाई थी राखी ने और मैंने रोटी बनाई थी, तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब एक दिन वो रोटी बनाती है, एक दिन मैं बनाती हूँ, एक दिन वो सब्जी बनाती है, एक दिन मैं बनाती हूँ, ऐसा कर लेते हैं। मॉर्निंग से ना मुझे थोड़ी वीकनेस ही लग रही थी, ऐसा लग रहा था हाथ पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मॉर्निंग में तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर होगा फिर मे बी शायद ठीक हो जाए, बट इवनिंग तक नहीं हुआ। फिर मैं गई मेडिकल शॉप में, वहाँ से मेडिसिन लेकर आई,
देन उसको खा के फिर मैंने 1 घंटा रेस्ट किया, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। और मैं ना जल्दी, मैं इतनी जल्दी ना मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मतलब कि जब तक बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा मेडिसिन लेना भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए, हाँ अगर वो कुछ ज़्यादा बड़ी बीमारी ना हो तो। एंड कभी कभी कुछ ज़्यादा लोड हो जाता है काम का, या मेंटली कोई ऐसा ज़्यादा लोड हो जाता है, उस वजह से भी हमें कभी कभी ऐसा फील होता है। तो मैं ज़्यादातर इसी छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड ही करती हूँ। लाइक अगर हेडेक हो रहा है, हल्का हो रहा है तो जाने देती हूँ, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तभी ज़्यादा मेडिसिन लेती हूँ, अदरवाइज नहीं लेती हूँ। जबरदस्त आ गया है यहाँ पे परेशान करने के लिए, इसको थोड़ा सा फीवर हो रहा है 1-2 दिनों से, और अभी फीवर ठीक है लेकिन वीकनेस मुझे लग रही है इसके अंदर थोड़ी सी है। मैंने ट्यूशन में गया था तो इसकी मैम भी बोल रही थी कि आज ये कुछ उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं लग रहा था, इस वजह से आज मैंने इसका ऑफ करवा दिया। सो ये व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा सा ही पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय करते हैं। बाय।